नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि यूपीएस और आरसीसीबी के बीच कनेक्शन कैसे करते हैं। ये प्रश्न हमसे बहुत से लोगों ने पूछा है कि यूपीएस और आरसीसीबी के बीच में कनेक्शन बताइए। देखिए, ये घर का इनकमर है, लाइन और न्यूट्रल। अर्थ वायर हमने यहाँ दिखाया नहीं है। पहले हमने एक एमसीबी ब्रेकर लगा रखा है, उसके बाद आरसीसीबी ब्रेकर लगा रखा है। एमसीबी यहाँ पहले लगा है, आरसीसीबी बाद में लगा है। कभी कभी ये पहले लगा देते हैं और एमसीबी बाद में लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये हम आगे आपको बताएंगे। और ये यूपीएस है जिसमें ये बैटरी लगी है, ये हमको लगाना है। और ये जो दो वायर हैं, लाइन और न्यूट्रल, ये लोड में जा रहे हैं, घर का फैन है, लाइट है या कुछ और। ये तार हमने बहुत लंबे दिखा दिए हैं, मगर ये पूरा आप अपना स्विच बोर्ड समझिए। ये लंबे वायर हमने इसलिए दिखाए हैं बोर्ड के अंदर के, कि हमें समझाने में आसानी हो, क्योंकि हमें इससे कनेक्शन दिखाने पड़ेंगे आपको यहाँ, ठीक है। और ये वायर लंबे लंबे होते हैं आगे, जो लोड और फैन और लाइट को जाते हैं। अब यूपीएस में एक इनकमर होता है, एक आउटपुट होता है, और बैटरी के लिए यहाँ कनेक्शन होते हैं। तो बैटरी तो हमने दिखा दी। अब क्या करते हैं, ये जो वायर है और ये वायर है, इसको बीच से काट देते हैं और इसका कनेक्शन इधर कर देते हैं और इसका कनेक्शन इधर कर देते हैं। ये सब बोर्ड के अंदर है, पूरे घर की वायरिंग चेंज नहीं हो रही है, खाली बोर्ड के अंदर कनेक्शन चेंज हो रहे हैं। अब ये कनेक्शन कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये हमने दिखा दिया, पहले ऐसे थे कनेक्शन, ये यहाँ पे कुछ नहीं था, यूपीएस हमने ऐसे दिखा दिया था। अब यहाँ पे कनेक्शन हटा के हमने ऐसे कर दिए हैं, वो देखिए। तो यूपीएस का इनपुट आरसीसीबी के आउटपुट से कनेक्ट हो गया है, ये रेड लाइन वायर है और ब्लैक न्यूट्रल वायर। और ये आउटपुट में हमने एक आरसीसीबी और लगा दिया है, उसके बाद ये लाइन पे जा रहा है और ये न्यूट्रल पे जा रहा है। तो आपको एक आरसीसीबी और लगाना है यहाँ पर। यूपीएस तब काम करता है जब यहाँ से पावर चली जाए। अब यूपीएस के अंदर एक बाईपास स्विच होता है कि अगर इनपुट सप्लाई है तो बैटरी से पावर ना आए, इसका कनेक्शन आउटपुट से डायरेक्ट हो जाए और सप्लाई डायरेक्ट चली जाएगी। लेकिन जब यह सप्लाई चली जाती है, उस समय डीसी से एसी में बदल के आउटपुट आता है। तो जब यह सप्लाई चली जाएगी तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इससे करंट नहीं बहेगी। जब इससे करंट नहीं बहेगी तो ये आरसीसीबी काम भी नहीं करेगा। कैसे करेगा, करंट इधर बह रही है ना, उस समय ये वाला आरसीसीबी काम करता है, ठीक है। अर्थिंग वायर अभी भी है जो हमने दिखाया नहीं है, अर्थिंग कनेक्शन में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये आरसीसीबी तब ट्रिप होगा जब डीसी सप्लाई से पावर आएगी, तब ये ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट बह ही नहीं रही, क्योंकि इनकमर चला गया है। अब ये कनेक्शन सिंपल है ना, खाली आपने ये दो कनेक्शन खोल के इधर और इधर लगा दिए हैं, और ये आरसीसीबी एक्स्ट्रा लगाया है। मुझे खुशी होती कि अगर आरसीसीबी यूपीएस के अंदर आता, मगर चूंकि ये कॉस्टली होता है तो यूपीएस की कास्ट कम करने के लिए वो ये लगाते नहीं हैं। उसके अलावा यूपीएस के आउटपुट में यहाँ पर एक एमसीबी भी होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से सप्लाई नहीं आएगी, इनकमर चला गया, तो एमसीबी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उधर से तो पावर आ नहीं रही है, तो एमसीबी भी हमें चाहिए। तो यूपीएस के अंदर यहाँ पर एक एमसीबी होना चाहिए। अगर एमसीबी नहीं है तो आपको एक एक्स्ट्रा एमसीबी यहाँ बाहर लगाना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि ये एमसीबी काम नहीं करेगा, यहाँ से तो पावर ही नहीं आ रही है, सिंपल बात।
तो जब इन्वर्टर काम कर रहा है, डीसी से सप्लाई आ रही है, तो यहाँ आपको एक एमसीबी लगाना है और एक आरसीसीबी लगाना है, फिर यहाँ कनेक्शन जाएगा। समझ गए ना? तो इस अरेंजमेंट में जब इनकमर आएगी तो यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट जाती है, उस समय दोनों एमसीबी होंगे, दोनों आरसीसीबी होंगे, लगे रहने दीजिए, दो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इनकमर चला जाएगा उस समय इस बैटरी से सप्लाई जाएगी, तब ये एमसीबी और ये आरसीसीबी ट्रिप होंगे, फॉल्ट होने पर वो वाले नहीं ट्रिप होंगे। कहीं कहीं क्या करते हैं कि ये वाला न्यूट्रल इनपुट का और ये आउटपुट का न्यूट्रल शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट कर देते हैं, या यूँ कह लीजिए न्यूट्रल डायरेक्ट चला जाता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये वायरिंग अलग ही होनी चाहिए। ये न्यूट्रल इनपुट में इधर आएगा और फिर आउटपुट से एक न्यूट्रल जाके फिर लोड को जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट कनेक्शन है जो कि अभी था, तो दोनों वायर आपको हटाने पड़ेंगे। और ये जो कनेक्शन है ये बोर्ड के अंदर है, ये बोर्ड के बाहर है, घर की वायरिंग इसके बाद आती है, बोर्ड के बाद की। अब घर में जनरली आरसीसीबी, कम से कम हमारे यहाँ ऐसा है, हमारा फ्लैट पुराना है काफ़ी, आरसीसीबी पहले लगा है, एमसीबी बाद में लगा है, वो भी यहीं पर दो लगे हैं। ऐसा क्यों और तब यूपीएस के कनेक्शन कैसे होंगे मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये अरेंजमेंट अलग है। पहले वाले में हमने एमसीबी यहाँ लगाया था एक, और आरसीसीबी इधर लगाया था। यहाँ क्या है कि इनकमर में पहले आरसीसीबी लगा है और फिर दो एमसीबी लगे हैं। हमारे फ्लैट में इस समय ऐसा ही अरेंजमेंट है। वो इसलिए कि दो एमसीबी इसलिए लगाते हैं कि हैवी लोड जैसे हीटर, उसकी वायरिंग अलग होती है घर में, और जो लाइट लोड होते हैं ना, फैन और लाइट वगैरह, इसकी अलग होती है। ये दोनों अलग अलग घर में वायरिंग करते हैं। तो इस तरह एमसीबी दो लगाते हैं, एक हीटर या फ्रिज के लिए या गीजर के लिए, और दूसरा एमसीबी नॉर्मल लोड जैसे फैन है, लाइट है वगैरह के लिए। इस समय ऐसे अरेंजमेंट में अगर दो सर्किट हैं तो आरसीसीबी अगर हम बाद में लगाएंगे तो दो लगाने पड़ेंगे, तो कंजूसी की वजह से एक लगा देते हैं पहले ही। अगर दोनों यहाँ अलग अलग होते तो अच्छा होता। मकान इतने महंगे महंगे बनाते हैं और 1000 का आरसीसीबी बचाने के लिए कंजूसी कर देते हैं बनाने वाले। तो इस अरेंजमेंट में जो यूपीएस लगता है वो जनरली हीटर वाले सर्किट में नहीं लगा, सिर्फ इसमें लगता है। ये कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह लग गया। ये देखिए इनकमर है, पहले आरसीसीबी है जो कि कॉमन है दोनों के लिए। एक एमसीबी से पावर जा रही है हीटर वगैरह को, और दूसरे एमसीबी से पावर जा रही है फैन और लाइट को, और बीच में हमने यूपीएस लगा दिया। इस यूपीएस में भी आउटपुट में आरसीसीबी लगाएंगे, और यहाँ पे अगर यूपीएस के अंदर एमसीबी नहीं है तो यहाँ पे एमसीबी बीच में लगाना पड़ेगा। मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि यहाँ जगह कम थी। तो जब पावर जाएगी, मान लीजिए पावर चली गई, तो हीटर को कोई पावर नहीं मिलेगी, लेकिन जो फैन लाइट या लैपटॉप वगैरह जो आप यहाँ लगाएंगे उनको इस बैटरी से पावर आने लगेगी। ठीक है, ये बिना पावर के रहेगा और ये हमेशा ऑन रहेगा यूपीएस की वजह से। तो जब पावर रहेगी तो इधर भी पावर जाएगी इनकमर से, और इधर भी बैटरी से नहीं जाएगी क्योंकि इसमें बाईपास स्विच होता है अंदर, हर यूपीएस में होता है। ये अगर इनकमिंग पावर आ रही है तो आउटपुट इनपुट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, बैटरी से कोई खर्चा नहीं लेते। ये बैटरी तब काम करेगी जब यहाँ पे पावर चली जाए, तो इधर से करंट बहना शुरू हो जाएगा इसके लिए, और यहाँ बिना लोड के बिना पावर के आपको काम चलाना पड़ेगा।
यहाँ पर भी जब पावर रहेगी तो ये आरसीसीबी और ये आरसीसीबी दोनों काम करेंगे। यहाँ पे एक एमसीबी लगा है वो भी काम करेगा, लेकिन जब पावर नहीं रहेगी यहाँ वाला आरसीसीबी और ये बाहर का एमसीबी या इसके अंदर वाला एमसीबी वो दोनों काम करेंगे, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और अर्थ वायर में कोई चेंज नहीं है, जैसा अर्थ वायर है वैसे ही होता है। यूपीएस में भी एक अर्थ वायर आता है, हमने दिखाया नहीं है, इसकी बॉडी को अर्थ कर देते हैं। यहाँ पे आपको 3 पिन आउटपुट मिलेगा, एक अर्थ का और एक लाइन न्यूट्रल की। तो जब यूपीएस हमने लगाया तो पहले चेक किया किस एमसीबी में लगाना है, एमसीबी को ऑफ करके एक बार में एक देखा कि ये ऑफ होता है या ये ऑफ होता है, जिससे पता चल गया कि कौन सा एमसीबी फैन और लाइट के लोड का है। उस एमसीबी के बाद ये यूपीएस लगा है। ये आपको भी चेक करना पड़ेगा कि किस एमसीबी से फैन और लाइट चली जाती है। यहाँ पे भी आप यूपीएस लगाना चाहें तो उसके लिए ये जो बैटरी है ना बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो ऐसा पावर लोड के लिए यूपीएस नहीं लगाते। पावर लोड के लिए भी हमको सप्लाई चाहिए, इनकमर के जाने के बाद भी, तो फिर जनरेटर लगाते हैं, यूपीएस नहीं लगाते। तो है ना कनेक्शन बड़े सिंपल। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आरसीसीबी क्यों लगा रहे हैं हम। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।